हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स स्टडी। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में समझते हैं। आखिर पीएच स्केल है क्या? तो इसका पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता, कितने हाइड्रोजन की क्या क्षमता है। अब ये आपके सामने रंग बिरंगा मोर यहाँ बना हुआ है, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है, इसको हम 2 सेकंड में समझते हैं। पीएच स्केल ये बनी होती है, इससे हम एसिडिटी का, न्यूट्रलाइजेशन और बेस का पता लगाते हैं, मतलब अम्ल, क्षार और लवण या उदासीनता का पता लगाते हैं। वो कैसे? अब देखिए, अगर हमने ज्यादा खट्टा नींबू खा लिया तो यहाँ आ जाएंगे, उससे थोड़ा कम खट्टा, मतलब मान लीजिए हमने कुछ संतरा वगैरह खाया तो यहाँ आ जाएंगे, और खट्टा कम खाया और कम खट्टा खाया, यहाँ हमने पानी पी लिया, पानी का कोई टेस्ट ही नहीं होता है, तो वो एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन है ना। फिर यहाँ बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए हम साबुन डिटर्जेंट पी लिया तो कड़वा कड़वा सा लगने लगा, और यहाँ मान लीजिए हमने नीम का दातून कर लिया तो वो यहाँ एल्कलाइन यानी कि क्षारी में आ जाएगा। जो क्षार होते हैं वो कड़वे कड़वे लगते हैं, जो प्योर जिसका कोई टेस्ट नहीं है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे उदासीन में, न्यूट्रल, और जो थोड़ा खट्टे वगैरह हैं तो वो एसिडिक आ जाएंगे। एसिडिक और भी अलग तरीके से लग सकते हैं, और भी इनका स्वाद होता है। तो अब ये एक भाई साहब थे सोरेन सोरेनसिस, इन्होंने 1909 में एक स्केल बना डाली, बैठे थे फुर्सत, उन्होंने कहा एक स्केल बना डाले। तो अब हम इसमें एसिड का पता कैसे लगाते हैं? जैसे नेमल नींबू है तो इसकी 2 to 3 तक होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक एसिडिक हो सकता है, यानी कम है। अपना जो HCl होता है पेट में गुड़गुड़ करता है, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 1.5 यानी 1.5 यहां से 1.5 से 3.5 तक, यहां तक हो सकता है। इसके बीच में मतलब ये देखिए, यहां इतने ऊपर है यानी कि ज्यादा खतरनाक है ना, HCl 0 से भी चल सकता है यहां से, 1.5 to 3.5 यहां। तो अपना जो HCl पेट के अंदर है, स्टमक के अंदर, वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। लेमन थोड़ी सा कम खतरनाक होता है, अब संतरा ले लेंगे तो थोड़ी सा और कम खतरनाक होगा। अब यहाँ पे प्योर वाटर आ गया तो उदासीन, न्यूट्रल में पानी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे देखिए, यहाँ देखते हैं ब्लड, ब्लड का है 7.45 यानी जो खून है वो खून थोड़ी सा, अपन अगर उसको चख के देखेंगे थोड़ी सा कसैला सा लगेगा, है ना, यानी वो सांस से थोड़ी सा आगे आ रहा है यहाँ 7.5, तो वो क्या हो गया, थोड़ी सा एल्कलाइन हो गया, यानी थोड़ी सा क्षारीय हो गया। अब मिल्क है 6.4 मिल्क, अब मिल्क 6.4 है यानी इसके आसपास, तो 6.4 यानी वो क्या हो गया, एसिडिक है पर बहुत कम एसिडिक है। एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि हम न्यूट्रल ही है, क्योंकि वो पीते समय मीठा मीठा लगता है, उतना ज्यादा खट्टा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ी सा एसिडिक है 6.4, 7 तक पहुंचने में थोड़ी सा। अब ले लें हम NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है जिसको नमक बोलते हैं, ये 7 है, तो ये भी न्यूट्रल एकदम प्योर। मान लो हम पानी पूरी खाकर आए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया हमारे पेट के अंदर, अब वो उस पानी पूरी को पचाने में चालू हो गया, इसके चलते क्या हो गया, ज्यादा एसिड बन गया तो उससे होने लगी हमें एसिडिटी। अब एसिडिटी होने लगी तो हमने क्या किया, ऊपर से MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये क्या है, ये क्षारी है और ये है अम्ल, तो अम्ल के ऊपर जैसे ही क्षार डालेंगे वो तुरंत ही न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो यहां पे हम MgOH लेकर आए, यानी कि हम इनो लेकर आए, इनो हमने इनो तुरंत तुरंत गटगटाया और मात्र 6 सेकंड के अंदर काम चालू हो गया, और ये अम्ल के ऊपर जैसे ही क्षार पड़ा तो तुरंत उदासीन हो गया। इस तरीके का इनो का कॉन्सेप्ट होता है, ये एंटासिड टेबलेट्स कहलाती हैं। तो हमने बेसिक समझा, ये 1 से लेकर 14 तक स्केल है पूरी, तो यहाँ 1 से लेकर हम 7 तक पहुंचे, 7 का 2 होता है 14, तो 1 से लेकर 7 तक पहुंचे, यहाँ एसिडिक है, यहाँ पर एसिड एसिड एसिड, 7 पे पहुंचे न्यूट्रल हो गए क्योंकि 7 किसी का सगा नहीं है, इसके बाद यहाँ से गए तो छारी छारी हो गए। एक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो हमारे मुंह में जो लार बनती है वो हमेशा एल्कलाइन होती है और वो धीरे धीरे जाकर पेट का एसिड खत्म करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गंदगी के चलते, ज्यादा खटाई वगैरह खाने के चलते हमारे मुंह में एसिडिटी, हमारी लार एसिडिक होने लगती है। तो हम नीम की दतौन कर लेते हैं, क्योंकि नीम की दतौन एल्कलाइन होती है, वो कड़वी कड़वी लगती है, वो क्षारी होती है, तो जब हमारे मुंह की एसिडिटी टाइप की बढ़ने लगेगी तो हम नीम की दतौन कर लेंगे। इसलिए पुराने जमाने के लोग नीम की दतौन करते थे, उन्हें मालूम हो या ना हो, क्योंकि वो एल्कलाइन क्षारी होती थी, तो जैसे ही एसिड में क्षार मिला तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है।
लिटमस पेपर से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें कंफ्यूजन होता है कि नीले को लाल कर दिया कि लाल को नीला कर दिया, तो उसको हम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दो तरीके के लिटमस पेपर आते हैं, एक नीला और एक लाल। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ी सा कंफ्यूजन होने लगता है स्टूडेंट के दिमाग में। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, ट्रिक समझ लीजिए। अनिल के संग शादी हुई किसकी? छालिनी की। जैसे शालिनी नाम होता है ना किसी का, तो आप इसका नाम छालिनी रख दीजिए। तो अनिल के संग शादी हुई किसकी? छालिनी की। तो अब क्या होगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, याद रहेगा हमें। और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया। बस अनिल के साथ छालिनी की शादी करा दीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाए।